नमस्कार, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। द कंटिन्यू अवर चैप्टर फॉर द स्टैंडर्ड 7, चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 11.4 इन द फर्स्ट क्वेश्चन। इन फर्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। Also find the area of the garden in hectare. So, dear students, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है। ये सपोज रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन में जो गार्डन है वो कौन सा है? ये दिस वन इज गार्डन, राइट। सो इन गार्डन इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। बट इन दिस क्वेश्चन 5 मीटर वाइड, यानी कि दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, हियर टू हियर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, हियर दिस साइड ऑल्सो फॉर द 5 सेंटीमीटर एंड हियर ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑल द साइड हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर वाइड टू बी ए पाथ। ओके, तो ये जो है वो पाथ है और बीच में जो है वो हमारा गार्डन है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ यानी कि जो बीच का जो पोर्शन है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि जो बीच का पोर्शन है वो। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ में फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? सो सी डी स्टूडेंट, सपोज वी हैव टू टेक इन दिस वन। सो दिस वन इज गार्डन। सो गार्डन विदाउट पार्ट, गार्डन विदाउट पाथ, एंड दिस वन इज फुल गार्डन, इट मीन्स दिस वन इज विथ पार्ट। आप ये सी ए बी सी एन डी, आप ए बी सी डी इस गार्डन की बात करो तो उसमें पाथ आ जाता है। ओके, के एल एम एन एन, सिर्फ के एल एम एन की बात करो तो उसमें पाथ नहीं आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, विथ पाथ विदाउट पाथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द विथ पाथ, यानी कि ए बी और सी डी। सो विथ पार्थ में लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी, राइट। सो विथ पार्थ यानी कि ए बी सी डी, सो 75 इन दिस वन, तो 75 इन दिस 5, यानी कि 75 प्लस सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे आएगा 75 प्लस 5, इस मीन्स 80 मीटर, राइट। और ये 90 और ये दिस वन इज 5, तो 90 एंड 5 इस मीन्स 90 प्लस 5 इस मीन्स 95 मीटर, 90 प्लस 5। बट दिस वन इज नॉट अ राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज हियर बोथ द साइड 5-5 सेंटीमीटर आर इंक्लूडेड, बोथ द साइड 5-5 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट हियर इज नॉट अ 5, बट वी हैव टू राइट हियर इज 10 एंड हियर इज ऑल्सो फॉर द 10। Now our actual path is 9 plus 10 is means this one is 100, 75 plus 10 is means 85. So this one is the right length and breadth is with path. समझ में आया? देखो, हम ABCD की बात कर रहे हैं तो ABCD में path included हो जाता है। So उसकी हमें length और breadth find करनी पड़ेगी। So ये जो लेंथ है वो हमें दी गई है, कितनी है? 90। अब 5 यहां पे भी इंक्लूड हो रही है, इस साइड देखो ये इतना ही पोर्शन है। सो यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है, तो इतना पोर्शन की बात करें तो हमें फुल फाइंड करना है। तो इस साइड भी 5 और इस साइड भी 5, तो 5 और 5 10 इंक्लूड होगा, तो 90 प्लस 10 इसमें ये फुल जो है वो 100 का हो गया। सेम यहां पे भी होगा, तो इतना जो पोर्शन है यानी कि इतना वो 75 है, तो अप भी 5 सेंटीमीटर मीटर है और डाउन भी 5 मीटर है, तो दोनों साइड 5-5 मीटर होगा, तो टोटल कितना होगा? तो 75 प्लस 10 इज मींस 85। समझ में आ गया? दिस वन इज विथ पाथ। नाउ वी हैव टू टेक द विदाउट पाथ। विथ आउट पाथ, विदाउट पाथ यानी कि उसमें जो ये पाथ है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमें क्वेश्चन में दी गई है, लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ इज इक्वल टू 90 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 75 मीटर। सो इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो होगा क्या?
सो एरिया ऑफ विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ विदाउट पाथ, यानी कि एरिया ऑफ विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ विदाउट पाथ. ओके, सो इन विथ पाथ 100 मल्टीप्लाई बाय 85 होगा. वाई? बिकॉज दिस वन इज रेक्टेंगल. सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज हियर एंड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हियर. सो विथ पाथ की लेंथ 100, ब्रेथ 85. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 85 माइनस विदाउट पाथ की 90 एंड 75. सो 90 मल्टीप्लाई बाय 75. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 85 यानी कि 8500 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 75 मीन्स 6750, राइट? सो 8500 माइनस 6750, देन योर आंसर इज, इफ यू आर सब्ट्रैक्ट इन दिस टू हियर एंड हियर, सो 8500 माइनस 6750 इज जीरो. यहां पे आप कट करोगे 4, यहां पे 10 यानी कि 5. इसे कट करोगे 7, यहां पे हो गया 14 यानी कि 7 एंड 1, इस मीन्स 1750 मीटर स्क्वेयर. सो दिस वन इज अवर आंसर. सो एरिया ऑफ पाथ 1750 मीटर स्क्वेयर. सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ गार्डन इज मीन्स दिस वन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ गार्डन. सो एरिया ऑफ गार्डन वी हैव टू टेक, इस मीन्स एरिया विदाउट पाथ. गार्डन की बात हो रही है, इस मीन्स पाथ इंक्लूडेड नहीं है, गार्डन यहां पे है. ओके, सो एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा? तो विदाउट पाथ की फॉर्मूला में देखो कितना आएगा, 6750 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा? 6750 मीटर स्क्वायर आंसर. बट अवर आंसर इन हेक्टर, सो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो किस तरह से? सो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर. सो 6750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? यानी कि 6750 डिवाइडेड बाय 10,000, 0 0 कट, हियर इज 30, इट मीन्स आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट. सो अवर आंसर इज 0.675 हेक्टर, 0.675 हेक्टर. सो दिस वन इज अवर आंसर. सो अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, तो सी सेकेंड क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन बोथ आर सेम. ओके, सो सी इन द सेकेंड क्वेश्चन, बी केयरफुल, राइट? लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड क्वेश्चन. अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. सी सेम ही है, यहां पे भी एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, यहां पे भी एरिया ऑफ पाथ करना था, लेकिन स्मॉल डिफरेंट क्या कि यहां पे गार्डन का भी हमें एरिया फाइंड करना है और यहां पे गार्डन का एरिया फाइंड नहीं करना है. तो सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन कौन सा होगा? ये बीच वाला होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन ये बीच वाला. चलो ठीक है, ये गार्डन हो गया. अब 3 मीटर वाइड पाथ यानी कि सभी के साइड कितनी है? 3 मीटर, यानी कि यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, इस तरह से होगा. अब बाहर की बात करो, यानी कि ये पोर्शन की, ये जो आउटसाइड का पोर्शन है, तो इसमें विथ पाथ हो जाएगा, पाथ इंक्लूड हो जाएगा ना. अब बाहर तक बात करोगे तो अंदर की यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करो तो उसमें पाथ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बाहर की बात करो तो उसमें पाथ इंक्लूड हो जाएगा. समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो बाहर का पोर्शन है वहां पे आप देखो तो पाथ उसमें आ गया ना, अंदर पाथ कहां पे है? अंदर हो गया ये. लेकिन जब आप ईएस की बात करो इस पोर्शन की, तो यहां पे पाथ नहीं होगा, क्योंकि पाथ कहां पे हो जाएगा? आउटसाइड में. तो इसकी जब बात कर रहा हूं तब विथ पाथ, और इसकी जब बात कर रहा हूं तब विदाउट पाथ. ओके, क्लियर? नाउ इट्स मीन्स, नाउ अगेन
विथ पाथ, उसकी हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करेंगे। सो लेंथ हमारे पास कितनी है? सो लेंथ है 125, उतनी तो है ही, चलो ये 125। सो इन दिस साइड 3, इन दिस साइड ऑल्सो फॉर द 3, एंड 3 प्लस 3 इज मीन्स 6, सो हियर इज प्लस 6, राइट। सेम ब्रेथ कितनी है? 65, यहां पे 65, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो टोटल कितनी होगी? 3 प्लस 3 6, एंड दिस वन इज 65, इट मीन्स प्लस 65। सो 125 प्लस 6 इट मीन्स 131, 65 प्लस 6 इट मीन्स 71। ओके, ये हो गई विथ पाथ। अब हम लोग बात करेंगे विदाउट पाथ। सो विदाउट पाथ की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? सो विदाउट पाथ इट मीन्स ये इसकी बात हो रही है इसकी, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई 125 एंड 65, 125 एंड 65। चलो हो गया, समझ में आ गया। अब तो समझ में आ गया ना। अब उसी तरह से हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ विदाउट पाथ, तो यही फॉर्मूला यहां पे भी यूज होगी। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ विथ पाथ माइनस, सॉरी हाँ, माइनस एरिया ऑफ विथ आउट पाथ। नाउ एरिया ऑफ विथ पाथ, एरिया ऑफ विथ पाथ इस मीन्स दिस वन। फॉर्मूला सेम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, हियर ऑल्सो फॉर्मूला सेम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस मीन्स हियर इज 131 मल्टीप्लाई बाय 71, एंड हियर इज 125 मल्टीप्लाई बाय 65। सो 131 मल्टीप्लाई बाय 71 आप लोग करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9301। 125 मल्टीप्लाई बाय आप लोग 65 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8125। इन दोनों का आंसर दिस वन और इन दोनों का आंसर दिस वन, यानी कि 131 मल्टीप्लाई बाय 61 योर आंसर इज 9301, 125 मल्टीप्लाई बाय 65 योर आंसर इज 8125। नाउ इन द सबट्रैक्ट दिस 3 देन योर आंसर इज 1176 मीटर स्क्वायर। सो दिस वन इज द एरिया ऑफ पाथ, 1176 मीटर स्क्वायर। सो अंडरस्टैंड्स डियर स्टूडेंट्स इन द दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस करना है, एक फिगर ड्रॉ करनी है, गार्डन की बात हो रही है, आउटसाइड है, इनसाइड है, कहां पे है, वो आपको देख के अच्छी तरह से सोल्व करना है। सिर्फ आपको ये फिगर समझ में आ जाए, बाकी आप लोग इस तरह से विथ पाथ विदाउट पाथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है और उसकी फॉर्मूला वो पुट करने है। सो अंडरस्टैंड्स इन दिस टू क्वेश्चंस, क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।